नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज फिर से मैं आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ अलग है, लेकिन है अर्ली मॉर्निंग रूटीन ही। और टाइम वही है अपना 5:45 बजे का उठने का। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, और ये जो हैं ये उठ गए थे सुबह एक बार उठ के, और ये फिर दोबारा लेटे हैं और दोबारा इनको नींद आ गई है। तो मैं इनको उठा रही हूँ तो ये उठ नहीं रहे, बोल रहे कि मुझे थोड़ा सा और लेटना है। तो जी बस ये लेटे रहेंगे तब तक, जो मेरे काम है अपने रोज़मर्रा के थोड़े से मैं वो कर लूँगी तब तक। और बच्चे आज जो है वो अपने रूम में लेटे हुए थे, रात बोलने लगी पी रही कि मम्मा हम अपने रूम में लेटेंगे, तो वो वहीं पे ही लेट गई थी फिर। और बस जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब मुंह वगैरह धोऊंगी और ब्रश करूँगी, क्योंकि सुबह को ये काम तो बिल्कुल ऐसे हैं जो बंधे हुए हैं, जिनमें कि ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद जो है ब्रश करने के बाद मैं करूँगी साफ़ सफ़ाई। तो पिछली वीडियो में जब मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, तो किसी ने मुझे बोला था कि दीदी आपने मतलब जो है रसोई में चाय ऐसे ही बना ली, कि मतलब झूठे ही रसोई में नहीं बनाते। तो जी ऐसा नहीं है, मैंने उस दिन शेयर नहीं किया था, और मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि जितना हम करते हैं उतना आपके साथ शेयर नहीं कर पाते, बहुत ही एडिटिंग करके काट छांट करके आपको दिखाते हैं। तो ये तो हमारे घर की सभी की आदत है कि हम सुबह उठ के मुंह धो के ब्रश करके उसके बाद पहले सारे घर में झाड़ू निकालते हैं, उसके बाद हम चाय वगैरह पीते हैं। तो उस दिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी वो चीज़, और आज भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आगे आगे जो नहीं शो होंगी। अब क्योंकि मैं सुबह को झाड़ू लगा रही हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साफ़ सफ़ाई करते हुए नहीं दिखूँगी, झाड़ू पोछा करते हुए नहीं दिखूँगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने नहीं किया है, किया है, काम सारे होते हैं। बस ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए या आप देखते देखते बोर ना हो जाए, तो इस वजह से एडिटिंग करके काट छाट करके आपको दिखाते हैं। तो आज मेरा जो मेन मोटिव था इस यहाँ से इस चीज़ को दिखाने का आपको, तो वो सिर्फ यही था कि नहीं, सुबह के टाइम हम झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो मेरी सास, मेरे मायके, मतलब सब में यही है कि सुबह उठ के पहले अपने घर में झाड़ू लगाओ, उसके बाद ही कुछ खाओ पियो। तो जी सुबह की मैंने झाड़ू लगा दी है और पर्दे वगैरह खोल दिए हैं, जिससे कि जो हवा है वो ताज़ी ताज़ी आए। और अच्छा लगता है कि जब मतलब पर्दे खुलते हैं एकदम से, जो बाहर की रोशनी है वो आती है। और इसके बाद मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए। यहाँ तक का जो रूटीन है ये मतलब है हमारा जो पेटेंट है बिल्कुल, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो जी यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ, अपने लिए चाय बनाऊंगी मैं, और बच्चों के लिए करूँगी दूध गर्म, क्योंकि प्यूरुई सुबह को दूध पी के ही उठती है, और बाद में नाश्ते के साथ वो दही या सब्जी वगैरह जो भी होता है वो ले लेती है। तो देखिए बस यहाँ पे किचन की भी खिड़कियाँ मैंने खोल दी हैं, और किचन में मतलब खिड़की खोल के ना हवा ही आती है, और सुबह का मौसम इतना फ्रेश रहता है। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ का मतलब इतना शोर शराबा नहीं है, इसमें इतना आना जाना नहीं है किसी का, मतलब सुनसान सी गली है। सुनसान भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि आना जाना बहुत कम है। यहाँ जहाँ मैं पहले रहती थी, जहाँ फिलहाल मेरी बहन रह रही है, यहाँ की गलियाँ बहुत शोर करती थी, मतलब तीनों साइड घर के गलियाँ थी, और बाइक का हॉर्न और ये जो बेचते हैं सामान इनका, तीनों चारों तरफ से इतना शोर, इतना शोर कि सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना शोर होता है। तो जी चलिए, खैर माहौल की बात हो जाती है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय लेके, और ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने बोला था कि मैं 10 मिनट लेटूंगा, तो मुझे फिर से उठा रही। और सुबह उठाना, जैसे लेट जाते हैं तो इनको उठाना फिर मुश्किल हो जाता है, तो बहुत मतलब इनको उठाने का सिर्फ यही रह जाता है कि इनको चाय दे दो तो ये उठ जाएंगे। तो देखिए कृष्णा आज सो रहा है अभी तक भी, और आज कृष्णा बहुत लेट तक सोया, बच्चे भी चले गए थे स्कूल, मतलब पीहू चली गई थी, रुई की क्लास भी शुरू हो गई थी, और कृष्णा 9:15 बजे जाके उठाया। तो जी बस मैं और ये चाय पी रहे हैं, उसके बाद मैं करूँगी साफ़ सफ़ाई, बच्चे नहाएंगे धोएंगे। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और टाइम बज गया है, 7 बजने वाले हैं, और पीहू के डैडी आप नहा लेते, नहा कर फूल ले आते पूजा के लिए। 10 मिनट और लेट होगा मुझे, 10 मिनट बाद उठूंगा। पीहू उठ गई थी बेटे, चलो उठो, ब्रश बारुश कर लो, रुई को भी उठाओ, फिर स्कूल जाना है। आज ब्रश कर लिया, अभी गर्म पानी वाला रह रहा है। चलो मैं लगा रही गर्म पानी। तो जी आज मैं लगा दूँ गर्म पानी अब, और आप नहा के फूल लेते हैं ये, फिर पूजा कर लेंगे, फिर देर हो जाएगी। नहीं तो पीहू स्कूल जाना है बेटा, खड़े हो जाओ। रूही हैगी से देख लो, ये उठने का नहीं नाम ले रही। वैसे तो ये बोल रहा है मम्मा 6 बजे उठा दियो, 7 बजे उठा दियो,
खड़ी हो चल जल्दी बेटे, उठ के आओ जल्दी, आओ दूध पियो, दूध देंगी। तो जी देखिए, बस सारा काम निपटा के अपना साफ सफाई करके और मतलब नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार। तो बच्चे नहाएंगे इतना और ये नहाएंगे, तो तब तक जो है मैं कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर दूंगी इतना। तो पूजा भी करनी होती है, और वैसे तो एक ही जगह होती है पूजा, लेकिन गणपति जी आए हुए हैं तो उनकी पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने कान्हा जी को दही से नहला दिया है आज, और अब ठंड सी होने लगी है यहाँ के मौसम में हल्का सा, तो मैंने पानी गर्म करके ही उनको नहलाया है और उसके बाद कर दिया है उनका श्रृंगार। और आज मेरे कान्हा जी जो है वो ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं, मुझे लगा कि आज मैं इनको पहनाऊँ, और इस ड्रेस में जो है कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। तो जी लीजिए, हो गए हैं तैयार, और आप भी कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन, और राधे राधे बोल दीजिएगा ज़रूर, राधा कृष्ण जी खुश हो जाएंगे। तो जी अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो ये जो कच्चा दिया है इसको मैं गणेश जी के यहाँ पे लगाती हूँ, गणेश जी के साथ। तो इसको मतलब गाँवों में करते हैं ऐसा ही कि जो कच्चे दिए होते हैं जिनको जला लिया होता है एक बार, तो उसको आँच में डाल देते हैं, तो जिससे बोलते हैं कि वो शुद्ध हो जाते हैं, तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जहाँ हम रोज़ पूजा करते हैं वहाँ पे पूजा की, और उसके बाद गणपति जी महाराज पे पूजा की। तो ये फूल वगैरह लेके आ गए थे, और इनके मोदक जो है, भोग का प्रसाद जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि अब बनाऊंगी मैं दोबारा इनके लिए, क्योंकि गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं गणपति जी के लिए लड्डू बनाऊंगी। तो जी बाकी इनको वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं, तिलक वगैरह कर दिए हैं सबको, और उसके बाद जो है मैं आरती करूंगी और सारे करेंगे। कृष्णा नहीं उठाता, फिलहाल तक भी नहीं उठाता कृष्णा, मैं हूँ, कृष्णा के डैडी हैं, पीहू रूही हैं और कान्हा जी हैं, सिर्फ हम लोग उठे थे। और मैं इस बार तो कुछ नहीं कर पाई कान्हा जी, इनके गणपति जी को लेके आई मैं, इनका सजा नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं इनको लेके आऊँगी तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनका एक छोटा सा पंडाल बनाऊँ जिसको कि मैं बहुत अच्छे से सजा सकूँ। तो जी फिलहाल जो टाइम पे है वही काफ़ी है। खैर जी पूजा होगी है और मैं बना रही हूँ अब नाश्ता। नाश्ते में मैं आज फिर से आलू के ही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि पीहू रूही को आलू के पराठे बहुत पसंद है, और ये भी जो हैं आलू के पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी और चीज़ के पराठे के। तो जी बस यहाँ पे आटा बना के, आटा लगा के मैंने रख दिया है, आलूओं को मैं छील दूंगी। तो आलू मैं पहले ही उबाल के रख देती हूँ जिससे कि वो ठंडे हो जाएं, और साथ में ही इनको मैंने कर लिया है कद्दूकस से मैश, और वही मैंने इनमें प्याज नहीं डाली है। और मैं सही में बताऊं, जब से गणपति जी घर में आए हैं प्याज लहसुन का इस्तेमाल मैंने बहुत कम कर दिया है, और जब से आप लोगों ने बोला है कि कान्हा जी को नहीं देना है लहसुन प्याज कुछ भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कम इनका इस्तेमाल करूँ। कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जिनमें डालना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन वो अच्छी लगती हैं, तो बस पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना डालूँ। तो यहाँ पराठे भी जो है वो मैंने बिना प्याज के अपने वही धनिया, जीरा, जीरा नहीं डाला, धनिया जो कुटा हुआ धनिया होता है ना वो, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के मैंने जो स्टफिंग है वो तैयार कर लिया। और देखिए मेरे पराठे कितने फुल्ले फुल्ले बन रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कैसे कैसे बनाने हैं, तो वैसे ही प्रोसेसिंग मैं इस बार भी कर रही हूँ। और यहाँ पर ये बैठ गए हैं, साथ में कान्हा जी को भी भोग लगा देंगे, क्योंकि बिना प्याज के पराठे हैं और दही के साथ है, तो कान्हा जी भी खा लेंगे इनको और गणपति जी भी। तो बस देखिए जी, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो हमें कह रहे हैं, लेकिन जब अपने मन में कोई बात खटक जाती है तो वो करना भी पड़ता है। और जब से आप लोगों ने बोला है कि नहीं दीदी ऐसे नहीं करना है, तो वो बात मुझे खटक सी गई, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको ना दूँ वो चीज़ें। तो जी देखिए बस अब यहाँ पे वो नाश्ता करने लगे हैं, और मैं फटाफट से बना दूंगी सारे पराठे। और देखिएगा आप, मैंने जितने भी पराठे बनाए हैं वो सारे के सारे फुल्ले हैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे मेरे पराठे बनने लगे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि पहले पराठों को दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लीजिए, उसके बाद इनको घी या तेल जो भी आप लगाते हैं वो लगाइए, तो कम मतलब गारंटी है कि आपके पराठे फूलेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि फूल रहे हैं कितने, रोटी की तरह, जैसे रोटी नहीं फूल जाती गैस पर एकदम से। तो जी बस यहाँ पे मैं बना लूँगी पराठे फटाफट, और आप लोग भी इस ट्रिक से बनाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपके पराठे फूले या नहीं फूले। तो जी देखिए बस पराठे बना के मैं भी कर ले रही हूँ नाश्ता। और आज मैं सही में बताऊँ तो आज जो मेरा काम है वो रोज़ से ज़्यादा जल्दी हो गया है, नहीं तो पीहू के स्कूल जाने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज इतना टाइम था कि मैं पीहू के मतलब पीहू यहीं पर है और मैं नाश्ता कर पा रही हूँ। क्या हुआ, क्या हो गया? एक ना बेसन ले आई हो, एक या एक किलो, एक पैकेट बेसन पहलावा बैठेगी ना देवी।
मना कर दी क्या उसे? और फिर जाएगा कृष्णा के द्वारा बैठ ली होगी, उसे उठा देगी फिर। बाय बेटा, राधे राधे मेरे बच्चे। तो जी ये भी चले गए हैं, पीहू भी चली गई है अपनी स्कूल में, और पीहू को लेके ये भी चले गए हैं। तो बची हूँ मैं अब, रूही अपने काम धाम से में लग रही होगी किसी में, और मैं अपने किचन के काम पे लग रही हूँ। किचन की स्लेब साफ करना, बर्तन साफ करना और किचन साफ करना, तो ये जो काम है ये कुछ ऐसे काम हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, मतलब इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये करने ही करने हैं। और कि मतलब जैसे ही परांठे वगैरह बनाते हैं ना, तो नाश्ते के बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। और जैसे अब पीहू स्कूल जाती है और गणपति जी भी घर में आए हुए हैं, तो इस करके जो है मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, कि जिससे कि जो काम है मेरे जो शेड्यूल है वो बना रहे, ऊपर नीचे ना हो। तो ये भी वजह है कि मतलब काम जो है वो फिक्स टाइम पे हो जाता है। और क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं क्या कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी मतलब उनकी वजह से जो काम है वो बिल्कुल फिक्स है, और सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। और जब माइंड में ये रहता है कि नहीं ये काम करना है, तो आँख जो है ऑटोमेटिकली उस टाइम पे खुल जाती है। तो जी देखिए, मैंने साफ़ सफाई पहले कर दी थी, झाड़ू पोछा किया था, तो बच्चे नहाए धोए थे, तौलिया वगैरह डाल दिया था, किसी की किताब कहीं पर स्कूल गए हैं, तो ये सारे काम जो है ये फिर दोबारा से मैं कर रही हूँ। और कपड़े मैंने शाम ही धो देते, जैसा कि मैं धोती भी हूँ शाम को ही, और मुझे था कि अंकल की गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि अंकल तीसरे दिन ड्यूटी पे जाते हैं और आज था वो दिन, तो लेकिन अंकल नहीं गए, तो इसीलिए मुझे जो कपड़े हैं वो फिर काफ़ी लेट, मैं पहले वेट करती रही कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो उसके बाद जो है मैं कपड़े डाल दूंगी, लेकिन अंकल ने गाड़ी धोई और खड़ी कर दी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अंकल नहीं जा रहे होंगे, तो फिर मुझे फाइनली उनको फैलाना पड़ा। और देखिए कृष्णा अभी तक भी सो रहा है, मैंने मतलब सो रहा है, और इसके बाद ही उठाया ही था इसको मैंने, कि मैंने कहा कृष्णा उठ जा, अब तो 9 बज गए, 9:15 बज रहे थे जब कृष्णा उठा, उठाने से उठाई, इसके बाद फिर मैंने इसको भी नहलाया धुलाया और इसको काजल वगैरह लगाई, तेल वगैरह लगाया, थोड़ा सा लाड़ प्यार करा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो होता भी है। और कृष्णा जब अपनी पे आ जाता है ना, तो फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मम्मा दूध पीना है, मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है, तो इसको नहला के इसकी पूरी सेटिंग करके फिर जाके कहीं दूसरा काम होता है। और यहाँ पे बस मैं इसको काजल लगा रही, तो काजल भी ये दोनों पैरों पे, मम्मा मेरे काजल लगाओ, कान के पीछे काजल लगाओ, आईब्रो में काजल लगाओ, मेरे माथे पे काजल लगाओ, तो इसका ये रहता है। तो जी कृष्णा को तैयार करके उसे थोड़ा सा क्या बोल लग रहा है, उसका मूड सा फ्रेश करके मैं अपने काम पे फिर से लग गई हूँ। और कपड़े धोए थे मैंने शाम ही, तो बेडशीट भी धोई थी शाम ही, चेंज करी थी, तो वो मैंने रात ही डाल दी थी, मैंने कहा स्पेस कम है फिर कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ पे बस वो तय करके मैं रख दूँगी और बाकी जो कपड़े हैं वो फैला दूँगी। और यहाँ नीचे जो फोल्डिंग पे दिख रहे होंगे आपको, ये गेहूँ है धोए हुए थे, तो ये सूख गए हैं, मतलब पहले धोए हुए थे जब मैंने धोए थे ना, तो अब मुझे पिसवाने हैं, तो इसलिए मैं इनको उतार के ले आई थी ऊपर से, और यहाँ पे इनको धूप लगवाई थी कल मैंने, तो यहीं पे इकट्ठे हुए रखे थे, तो कपड़े फैला के इनको भी मैंने कट्टे में डाल के भर दिया है, क्योंकि पिसवाने हैं अभी। और वैसे तो बरसात सी का मौसम चल रहा, तो मैं सोच रही थी कि सारे ना पिसवा के थोड़ा पिसवा लूँ, नहीं तो ख़राब होने का रहता है, तो मैं इसमें से आधा ही पिसवाऊँगी और आधा बाद में पिसवाऊँगी, क्योंकि चावल वगैरह के साथ इतना नहीं लगता है। तो जी बस इसके बाद जो है मेरा काम हो गया था कंप्लीट, काम हो गया है मेरा सुबह का पूरा, और टाइम बच गए हैं 10:30, ये बिल्कुल पेटेंट टाइम है। और कृष्णा की फरमाइश आ गई है कि पापा के घर जाना, आज ये थोड़ा सा लेट उठा था तो उनके साथ नहीं जा पाया। कृष्णा इधर आओ मम्मा पास, तभी जाऊंगी लेके। और वाकई में यहाँ से ना उधर बहुत दूर पड़ जाता है, 1 किलोमीटर सारा पड़ जाता है, और पैदल जाना आना पड़ता है, तो मेरी तो फ्री में एक्सरसाइज हो रखी, जिसका कोई मतलब जो किन्नी में गिनी नहीं जाती कि चलो आई कोई बात नहीं। तो खैर चलिए जी, देखती हूँ अब इसको लेके जाऊँगी या उनको फ़ोन करके पूछूँगी कि आप आते हो तो आप लेते जाओ। और बस फिर जी जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तो मुझे भी बताया कि थोड़ा सा वीडियो में कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन से चल रहे थे, कल का दिन तो ऐसा था कि मैं कुछ नहीं कर पाई, तो इसीलिए बस ये आज का ही रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जी चलिए कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, लव यू पुच्ची कद्दू इनकी।